टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिट सेकेंड एलजेब्रा ऑफ क्लास इलेवेंथ मैथमेटिक्स आज हम क्लास इलेवेंथ मैथमेटिक्स के सेकेंड यूनिट एल्जेब्रा के सेकेंड चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है फर्स्ट आयोटा 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 विच इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आई आयोटा जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा इज अंडर रूट ऑफ माइनस वन और आयोटा की जो वैल्यू होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूड ऑफ माइनस वन देट इज आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूड ऑफ माइनस वन आयोटा जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आयोटा जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूड ऑफ माइनस वन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर दोनों साइड को हम स्क्वायर करते हैं देन वी गेट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूड ऑफ माइनस वन स्क्वायर इज एम्प्लाइज दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो मिली हमें क्या माइनस वन आयोटा की वैल्यू होती है अंडर वूड ऑफ माइनस वन अगर दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो so हमें जो वैल्यू मिलती है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन के रिमेंबर दिस टू वैल्यूज बोथ आर वेरी इम्पोर्टेंट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन एंड

स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन तो हम ऐसे नंबर को इमेजनरी नंबर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आयोटा एक नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हमें इसकी वैल्यू नेगेटिव मिली नेगेटिव मिली दैट मीन्स माइनस वन मिली तो ये जो नंबर है आयोटा हमारा क्या कहलाएगा इमेजनरी नंबर कहलाएगा ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू नेगेटिव मिले तो वो नंबर हमारा क्या कहलाता है इमेजनरी नंबर या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसका मल्टीपल जो है हमें क्या मिले आयोटा मिले या फिर आयोटा जिसकी वैल्यू होती है अंडर उड ऑफ माइनस वन मिले तो वो नंबर हमारा कहलाता है इमेजनरी नंबर फॉर एग्जाम्पल फाइव आयोटा यहाँ पे हमारे पास फाइव आयोटा है फाइव आयोटा इज एन इमेजनरी नंबर बिकॉज फाइव फाइव का मल्टीपल क्या है हमारे पास आयोटा है और डेफिनेशन में हमने देखा कि ऐसा नंबर जिसका मल्टीपल क्या मिले हमें आयोटा या माइनस अंडर माइनस अंडरवुड माइनस वन तो हमारी वैल्यू जो होती है क्या इमेजनरी नंबर होती है उस नंबर की तो फाइव हमारा नंबर है जिसका मल्टीपल आयोटा है तो ये नंबर हमारा क्या कहलाता है इमेजनरी नंबर या फिर इन अदर वर्ड्स हम बोलते हैं कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव मिले तो चेक करते हैं फाइव आयोटा अगर हमारे पास नंबर है तो इसको स्क्वायर करते हैं इट्स स्क्वायर फाइव आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा हमें ट्वेंटी फाइव आयोटा स्क्वायर ट्वेंटी फाइव आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू हमें मिलती है वो क्या है माइनस वन उत करेंगे तो हमें मिला माइनस ट्वेंटी फाइव तो फाइव आयोटा एक वैल्यू था एक नंबर था जिसको स्क्वायर करने पर हमें वैल्यू क्या मिली नेगेटिव माइनस ट्वेंटी फाइव इसलिए हम बोलेंगे कि ये नंबर क्या है इमेजनरी नंबर ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव मिले या जिसका मल्टीपल आयोटा हो दैट मीन्स अंडरवुड माइनस वन हो तो हमारा कहलाता है इमेजनरी नंबर क्लियर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर नाव वी कम टू द कॉम्प्लेक्स नंबर एनी नंबर इन द फॉर्म ए प्लस माइनस आयोटा बी दैट मीन्स ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर जो ए प्लस माइनस आयोटा बी के फॉर्म में हो ए प्लस माइनस आयोटा बी दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कि ए प्लस आयोटा बी या फिर लिख सकते हैं ए माइनस आयोटा बी दोनों बोल सकते हैं ठीक है कोई भी नंबर जो कि ए प्लस आयोटा बी या फिर ए माइनस आयोटा बी है जिसको हम बोल सकते हैं ए प्लस आयोटा ए प्लस माइनस आयोटा बी के फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर जो ए प्लस आयोटा बी या ए माइनस आयोटा बी या फिर दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ए प्लस माइनस आयोटा बी के फॉर्म में हो तो हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बी आर रियल नंबर वॉट इज रियर नंबर ऑल नंबर्स ऑफ क्यूर इन साइड द रियल नंबर लाइक नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर नंबर एंड रेशनल नंबर्स सारे नंबर्स हमारे जो होते हैं नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर रेशनल ये सारे नंबर हमारे रियल नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स में आते हैं रियल नंबर्स कहलाते हैं बेसिकली रियल नंबर इट्स वैल्यू फॉल्स बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वो सारे ही नंबर्स होल नंबर्स इंटीजर नेचुरल रेशनल हमारे क्या कहलाते हैं रियल नंबर्स सो वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर ए और बी रियल नंबर है मतलब ए और बी की जो वैल्यू है वो होल नंबर्स हो सकती है नेचुरल नंबर्स हो सकती है इंटीजर नंबर हो सकती है या रेशनल नंबर हो सकती है कोई भी हो सकता है सारे ही हमारे रियल नंबर्स होते हैं इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं ओके क्लियर कॉम्प्लेक्स नंबर एनी नंबर कोई भी नंबर जो कि a प्लस माइनस आयोटा b के फॉर्म में हो दैट मीन्स a प्लस आयोटा b या a माइनस आयोटा b के फॉर्म में हो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ पे a और b दोनों ही रियल नंबर होते हैं रियल नंबर मतलब उसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है इंटीजर होल होल नंबर नेचुरल नंबर या रैशनल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम जो है जेट से डिनोट करते हैं फॉर एग्जाम्पल फाइव प्लस फोर आयोटा फाइव प्लस फोर आर आयोटा दिस इज कॉम्प्लेस कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी ही आर ए इक्वल टू फाइव एंड बी इक्वल टू फोर ए प्लस आयोटा बी फाइव प्लस फोर आयोटा जो है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है जहाँ पे ए इक्वल टू फाइव है और बी इक्वल टू फोर है एंड बोथ आर रियल नंबर फाइव एंड फोर सो इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर फाइव प्लस फोर आयोटा इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए प्लस आयोटा बी ए इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बी इज कॉल्ड द इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी में ए जो होता है हमारा रियल पार्ट होता है और बी जो होता है हमारा क्या होता है इमेजनरी पार्ट वी हैव सीन दस इन द एव इमेजनरी नंबर इमेजनरी नंबर ऐसा नंबर ठीक है जिसको स्क्वायर करने पर मिले या जिसका जो मल्टीपल हो क्या हो आयोटा हो तो हमारा इमेजनरी नंबर होता है सिमिलरली ए प्लस आयोटा बी में बी जिसका मल्टीपल क्या है आयोटा है तो बी एक इमेजनरी नंबर हो गया या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या इमेजनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी में ए जो होता है रियल पार्ट होता है एंड बी हमारा क्या होता है इमेजनरी पार्ट होता है आयोटा जिसके साथ इंटू होता है वो हमारा इमेजनरी पार्ट आयोटा जिसके साथ इंटू नहीं होता है वो हमारा रियल पार्ट फॉर एग्जाम्पल जेड इज इक्वल टू टू प्लस iota 3 2 is a real part and 3 is a imaginary part in other words we can say complex numbers are expressed by the sum or difference of real and imaginary numbers in other words hum keh sakte hain ki complex number jo hota hai real एंड imaginary numbers के sum और difference के through जो है express होता है ठीक है complex number आर एक्सप्रेस बाई द सम और डिफरेंस ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक रियल नंबर और इमेजनरी नंबर के सम या उनके डिफरेंस के थ्रू जो है एक्सप्रेस होता है ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर रियल नंबर दैट मींस टू एंड इमेजनरी नंबर दैट मीन्स थ्री तो रियल नंबर्स एंड इमेजरी नंबर के सम या फिर डिफरेंस के थ्रू जो है एक्सप्रेस होता है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर नाउ यू हैव टू कम टू द ऑर्डर्ड पेयर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ दियर ए कॉमा बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में जो है उसके ऑर्डर्ड पेयर को हम इन स्मॉल ब्रेकेट ए कॉमा बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं एग्जाम्पल टू प्लस आयोटा थ्री ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू प्लस आयोटा थ्री इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट टू कॉमा थ्री टू प्लस आयोटा थ्री हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके ऑर्डर पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट टू कॉमा थ्री सिमिलरली ऑर्डर पेयर ऑफ थ्री प्लस आयोटा फोर इज इक्वल टू इन ए स्मॉल ब्रैकेट थ्री कॉमा फोर दैट मीन्स ऑर्डर पेयर ऑफ थ्री कॉमा फोर ऑर्डर पेयर ऑफ माइनस फाइव माइनस आयोटा सिक्स इक्वल टू इन ए स्मॉल ब्रैकेट माइनस फाइव कॉमा माइनस सिक्स दिस इज ऑर्डर पेयर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हियर टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट थेरम वन द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ अ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेपरेटली इक्वल टू जीरो ओके द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ अ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी वैल्यू क्या मिले हमें जीरो मिले फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले हम लेते हैं ए प्लस आयोटा बी और उसकी वैल्यू जीरो है तो ये हमारा क्या कहलाता है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ जीअर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेपरेटली इक्वल टू जीरो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू जीरो हमारा जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स होते हैं वो सेपरेटली इक्वल टू जीरो जीरो के इक्वल होते हैं सेपरेटली जीरो के इक्वल होते हैं ठीक है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू जीरो तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल रियल मतलब ए रियल पार्ट यानी ए एंड इमेजनरी पार्ट दैट मीन्स बी क्योंकि इमेजनरी पार्ट्स किसको बोलते हैं ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाइड हो तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट दैट मीन्स ए एंड इमेजनरी नंबर्स दैट मीन्स बी इन दोनों एक, का जो वैल्यू होता है वो सेपरेटली क्या होता है जीरो होता है मतलब अलग अलग जीरो होता है तो इफ वी हैव ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू जीरो देन ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो ठीक है अगर हमारे पास कोई जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू जीरो तो उसका जो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट होगा वो सेपरेटली इक्वल टू जीरो होगा मतलब अलग अलग उसकी वैल्यू जीरो होगी ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो हमारा फर्स्ट थ्योरम है द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ अ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेपरेटली इक्वल टू जीरो किसी भी जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का दैट मीन्स ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में जो हो उसका जो रियल एंड इमेजनरी नंबर होता है वो उनकी जो वैल्यू सेपरेटली जीरो होती है ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो अलग अलग दोनों की वैल्यू क्या होती है जीरो नेक्स्ट थियोरम टू द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ एनी टू इक्वल सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स Are separately equal the real and imaginary parts of any two equal complex numbers are separately equal suppose we consider we have a two complex number like a plus iota b and c plus iota d then their real and imaginary numbers are separately equal the first real number of first complex number is a and the second real number of second complex number is c both are equal

ठीक है तो अब कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी और दोनों कैसे हैं एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनके जो इमेज रियल नंबर्स हैं दैट मींस पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल नंबर है ए और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल नंबर है सी वो एक दूसरे के इक्वल होंगे सिमिलरली इनके जो इमेजनरी नंबर्स हैं पहले के बी एंड दूसरा का डी वो दोनों एक दूसरे के सेपरेटली इक्वल होंगे